देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। असम की आग में झुलसे 19 लाख लोग, क्या होगा इन 19 लाख लोगों का? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC लिस्ट के आने से पहले असम में कई लोगों का तनाव काफी बढ़ गया था। NRC लिस्ट में अपना नाम नहीं होने की आशंका की वजह से लोग परेशान थे। इसी बीच शनिवार को NRC की आखिरी लिस्ट जारी कर दी गई है। NRC के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने बताया कि 3,11,21,000 लोगों को NRC की फाइनल लिस्ट में जगह मिली और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया। अब इनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि सरकार ने नागरिकता साबित करने के लिए 4 महीने का समय दिया है। NRC के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने बताया कि 3,11,21,000 लोगों को NRC की फाइनल लिस्ट में जगह मिली और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया। जो लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं वो फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के आगे अपील दाखिल कर सकते हैं। हालांकि 1951 के बाद पहली बार असम में हो रही नागरिकता की पहचान का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। लिस्ट को लेकर किसी भी अप्रिय वारदात से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। राज्य में फैले तनाव को ध्यान में रखते हुए किसी गड़बड़ी के अंदेशे में तमाम इलाके में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। राज्य पुलिस के जवानों के अलावा भारी तादाद में केंद्रीय बलों को भी तैनात किया गया है। राज्य के 14 जिलों को संवेदनशील घोषित कर वहां निगरानी की खास व्यवस्था की गई है। केंद्र ने सशस्त्र बलों के 20,000 अतिरिक्त जवानों को असम भेजा है। पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर विशेष चौकसी की जा रही है। इधर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने NRC की सूची से बाहर रहने वाले लोगों से आतंकित या भयभीत नहीं होने की अपील की है। उन्होंने सरकार से कहा कि हर सच्चे भारतीय को उसकी नागरिकता साबित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी और गरीबों को कानूनी मदद भी करेगी। उन्होंने कहा कि हम अंतिम सूची से बाहर लोगों को तत्काल हिरासत केंद्र में नहीं भेजे जाएगा। राज्य पुलिस के मुताबिक विदेशी न्यायाधिकरण में अपील करने की समय सीमा 60 से बढ़ाकर 120% कर दी गई है। सरकार ने ऐसे ज़रूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराने का भी भरोसा दिया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.